उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वह व्यक्ति मारपीट की शिकायत लेकर हनुमंत विहार थाने की गल्ला मंडी चौकी में गया था। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची ADCP अंकिता शर्मा ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने चौकी इंचार्ज और प्लॉट पर कब्जाने के आरोपियों द्वारा मारपीट के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि दिनेश सिंह भदौरिया के खाली प्लॉट पर पड़ोस में रहने वाली प्रीति वर्मा, जगदेव और राहुल वर्मा ने कब्जा कर रखा था। इसका दिनेश सिंह ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में शिकायत लेकर दिनेश सिंह भदौरिया पुलिस चौकी पहुंचे थे। आरोप है कि चौकी में न्याय देने के बजाय चौकी इंचार्ज अशोक यादव ने भी दिनेश भदौरिया से मारपीट की। इससे उनकी तबीयत खराब होने लगी तो चौकी इंचार्ज ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन चौकी से बाहर निकलते निकलते दिनेश की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दिनेश सिंह भदौरिया के परिजनों ने थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलने पर कानपुर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में किया। ADCP अंकिता शर्मा ने शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने और वीडियोग्राफी कराने का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। इसी के साथ उन्होंने परिजनों ने तहरीर दी है, कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक थाने में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई है। इसे देखने के बाद पिटाई के आरोप निराधार लग रहे हैं, बावजूद इसके परिजनों के आरोप को देखते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हम इस समय कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले थाना हनुमंत विहार मौजूद है। यहाँ एक मामला है जिसमें जमीन विवाद को लेकर एक युवक को पूछताछ के लिए लाया गया था। यहाँ पर उसकी पुलिस पूछताछ में उसकी हालत बिगड़ी, जब तक परिजन उसे हॉस्पिटल ले जाते तब तक उसकी मौत हो गई। पूरा मामला क्या है ये परिजनों से बात करते हैं। ये राजेश सिंह नाम है। क्या मामला था? और मामला ये है कि हंसपुर में इनका एक प्लाट था जो 2003 में इन्होंने खरीदा था इनके पिताजी ने। उस पर जो है प्रीति वर्मा, सनाब जगदेव वर्मा, राहुल वर्मा, विनोद वर्मा और उनकी जो बहन है रीना वर्मा, उनका चेहरा भाई पंकज वर्मा और चौकी इंचार्ज गल्ला मंडी अशोक कुमार सिंह पूरे फेवर से उसको प्लाट में कब्जा करवा दिया। प्रार्थी ने कई बार शिकायत करी आते, हम भी साथ में आए, कई बार चौकी इंचार्ज को अप्लीकेशन दी, थाना इंचार्ज को भी अप्लीकेशन दी, लेकिन उनके प्लाट पर कभी कुछ नहीं हुआ। आज ऐसा हुआ कि प्रार्थी के मकान पर ऋषि वर्मा ने कब्जा किया तो इनको चौकी में बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। पूछताछ करने के लिए जब ये आए, ये बैठे, तो पुलिस ने उल्टा इनको बंद कर दिया, जबकि थाना इंचार्ज महोदय ने मना किया। चौकी इंचार्ज महोदय ने इनको जबरदस्ती अंदर कर दिया और उनके साथ जिसकी वजह से इनकी हालत बिगड़ी। इनको कार्डियोलॉजी ले जाया गया, वहाँ कार्डियोलॉजी मैं ले गया था, मतलब कार्रवाई ये चाहते हैं जब तक प्रीति वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, उनके पूरे परिवार के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, वो भूमाफिया है इस क्षेत्र की, प्रशासन पता कर सकती है। चौकी इंचार्ज महोदय अशोक कुमार सिंह के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रकरण में बढ़ावा देने का चौकी इंचार्ज ही काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी बना करके सामने उसने बताया कि 85 प्लाट हमारे थे, उन्होंने भूमाफिया है कि नहीं आप बताइए। जबरदस्ती कब्जा करना उनका काम है, पूरी जनता उनसे प्रताड़ित है, चौकी इंचार्ज महोदय उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले हिमांशु चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने FIR दर्ज करके इन लोगों को जेल भेज दिया था, इसकी वजह से पिताजी और उनके बच्चे सभी लोग। ये हमारे साथ परिजन थे जिन्होंने सीधा आरोप लगाया है चौकी इंचार्ज अशोक कुमार पर। इनका कहना है कि पुलिसिया जो है पूछताछ में उन्होंने जबरदस्ती की, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। कैमरे में मेरे साथी कुलदीप, मैं दुर्गेश अवस्थी, जनसेतु न्यूज कानपुर।